तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज है KTM RC 200 और इस बाइक का हम करने वाले हैं एयर फिल्टर चेंज। तो यहाँ पे हमारा होता है एयर फिल्टर इस वाले बॉक्स में, तो कैसे खोलना और कैसे निकालना है वो आप लोगों को बताएंगे, चेंज कैसे करना वो भी बताएंगे। इसका जो बॉडी हमने खोल के इस जगह पर रखा हुआ है तो सारा बॉडी हमने खोल दिया है और खोलना ही पड़ता है एयर फिल्टर चेंज करने के लिए, हमको सारी बॉडी खोलना ही पड़ेगा। तो हमने बॉडी पहले ही खोल ली है और इसके बाद अब इसका एयर फिल्टर खोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे दो स्क्रू, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये एक स्क्रू और दूसरा स्क्रू ये, तो दोनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं पहले। तो दो स्क्रू हमारे खुल गए। अब इसका एयर फिल्टर बॉक्स को अगर निकालोगे तो ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अभी नहीं निकलने वाला, इसको चाहे जितना आप कोशिश कर लो ये नहीं निकलेगा। अभी अभी इसके आगे और करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बॉक्स से निकालने के लिए हमको एक ये बोल्ट खोलना पड़ेगा टैंक का, ये वाला और दूसरा ये वाला। तो दोनों बोल्ट को खोल लेते हैं और टैंक को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो दोनों बोल्ट हमारे खुल गए हैं। अभी देखो दोनों बोल्ट हमने खोल लिया, इसका जो टैंक है अब वो टैंक को ऊपर लेते हैं। तो इस तरीके से ऊपर करना, ये देखो इस तरीके से। तो अभी आपका जो एयर फिल्टर का कवर है वो निकल जाएगा। तो चलो निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो इस तरीके से ऊपर करना है और ये जो कवर को इस तरीके से बाहर की तरफ ठेलोगे तो ये निकल जाएगा। तो अब जो हमारा अटक रहा है वो अटक रहा है ये वाले लॉक पे, ये देखो अटक रहा है लॉक पे ये वाले। तो इसको भी अलग करते हैं, पूरा जो वायर है वायर को कंप्लीट निकालते हैं बाहर, इसको वापस से हम फिल्टर को बैठाते हैं। ये देखो फिल्टर को ऐसे बैठाएंगे, ये वाली जो हमारी वायर है इसको निकालते हैं पूरी। तो ये लॉक को पहले घुमा देना और उसके बाद सॉकेट निकालना, इसको इस तरीके से घुमा देना पूरा और फिर सॉकेट को नीचे की तरफ खींचना, सॉकेट निकल जाएगी। सॉकेट निकल गई और इसका ECM इस जगह पे लगा हुआ है, जिसको ECU बोलते हैं वो इस जगह पे लगा हुआ, इसकी वायर ये सब है सॉकेट। तो सॉकेट को अलग करते हैं, सॉकेट अलग कर लोगे अब आपका एयर फिल्टर कवर वो ऊपर निकल जाएगा। थोड़ा सा टैंक को ऊपर करते हैं और ये देखो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ये देखो ये कवर निकल गया, आगे लॉक रहता है तो वो बाहर की तरफ खींचोगे तो निकल जाएगा। ये देखो ये निकल गया पूरा कवर और गंदा देखो कितना ज्यादा है, देखो ये बहुत ज्यादा गंदा एयर फिल्टर पूरा खराब हो चुका है, पूरा पूरा का पूरा एयर फिल्टर खराब हो चुका है। ये देखो इसकी हालत देखो एयर फिल्टर की, मट्टी देखो, मट्टी कितनी जमा हुई बहुत ज्यादा, मतलब इसका लग रहा है बहुत दिन से सर्विस ही नहीं हुई इस बाइक की। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा तो भाई रहता ही नहीं, मैंने तो किसी गाड़ी में नहीं देखा इतना ज्यादा गंदा। ये देखो फिल्टर पूरी मट्टी निकल रही, फिल्टर के अंदर से तो मट्टी निकल रही है। देखो तो इसी को करते हैं चेंज, क्योंकि ये पूरी तरीके से खराब हो चुका है, इस चलने वाला है नहीं, चेंज करते हैं इसको। तो चलो इसको हम चेंज करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल से खराब हो चुका है और ऐसा निकला भी मैंने पहली बार देखा है इतना ज्यादा खराब। तो इसको फेंकते हैं और नया लेते हैं। तो नया फिटिंग करने से पहले ये कवर को क्लीन करना है, कपड़े से क्लीन करना है और ये जो कवर है इसको भी पूरी तरीके से क्लीन कर लेना। तो चलो क्लीन कर लेते हैं दोनों कवर को, उसके बाद एयर फिल्टर इसका लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर बॉक्स हो गया क्लीन और ये वाला कवर भी हमने क्लीन कर दिया पूरी तरीके से। और इसका जो एयर फिल्टर है ये है, तो ये है इसका एयर फिल्टर। तो चलो एयर फिल्टर को आप फिटिंग कर देते हैं बाइक में। ये नया एयर फिल्टर है जो हमारी KTM RC 200 का है। तो यहाँ पे हम इसको इस जगह पे बैठा देंगे, पहले इस जगह पे बैठा देंगे बॉक्स में, बॉक्स में बैठा देना इस तरीके से बैठा देना। ये देखो बैठ गया। अब इसका कवर लेना है ये वाला, ये जो हमने इसके ऊपर से कवर खोला था ये वाला कवर लेना है और इसको बैठाना, ये वाला जो खांचा है इसमें घुसेगा, ये वाली रबर में। तो चलो अब हम इसको बैठा लेते हैं, इसको बैठा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो कवर हमारा लग गया, दोनों स्क्रू हो गए टाइट। और अभी जो इसका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर पुराना वाला, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसकी बॉडी वगैरह यहाँ पे, तो बॉडी वगैरह फिटिंग करते हैं। एयर फिल्टर तो हमारा ये है, तो एयर फिल्टर बिल्कुल खराब हो चुका था। ये देखो इसकी हालत देखो तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो अभी वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।